नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे कि सफेद दाग के पेशेंट्स में जो ईचिंग होती है उस बारे में। ईचिंग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत लोग समझते हैं कि सफेद दाग में ईचिंग अच्छी है और कुछ लोग मानते हैं कि ये बुरी है। क्या ईचिंग सच में सफेद दाग में फायदेमंद है? जी नहीं, ईचिंग सफेद दाग में नुकसानदायक है, ऐसा मॉडर्न साइंस यानी कि आधुनिक विज्ञान एलोपैथी तो मानती ही है, और आयुर्वेद में इसे हजारों साल पहले ही बता दिया था कि ईचिंग, जिसे आयुर्वेद में कंडू कहा गया है, जिसे हम आम भाषा में खुजली या खारिश बोलते हैं, ये सफेद दाग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। परंतु कुछ कंडीशंस हैं जहां पर ईचिंग फायदा करती है या ईचिंग एक पॉजिटिव साइन है और हमें पता चलता है कि दवा अच्छे से काम कर रही है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जहां ईचिंग पॉजिटिव साइन है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ईचिंग, खुजली या कंडू, जो भी नाम दीजिए, ये सफेद दाग यानी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईचिंग करने से या होने से सफेद दाग बढ़ते हैं। ईचिंग सफेद दाग का एक ट्रिगर की तरह काम करती है, इसलिए अगर आपको सफेद दाग है और आपको किसी भी कारण से खुजली शुरू होती है तो आपको फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए और खुजली रोकने की दवा लेनी चाहिए। ईचिंग जो है ये आयुर्वेदिक मत और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग ही नुकसानदायक है। सबसे पहले मैं आपसे आयुर्वेदिक मत शेयर करती हूँ। ईचिंग, जिसे आयुर्वेद में कंडू कहा जाता है, ये पित्त दोष को प्रकोपित करती है। सफेद दाग जिसमें पहले से ही पित्त दोष प्रकोपित है, अगर ईचिंग की वजह से पित्त दोष और प्रकोपित होता है तो सफेद दाग और बढ़ते हैं, ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी में पित्त दोष जो है बहुत ज्यादा प्रकोपित होने लग जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया है कि अगर कंडू हो रहा है, अगर खुजली हो रही है, तो सफेद दाग के रोगियों को उसे एकदम से रोकना चाहिए ताकि दाग और ना बढ़े और ठीक हो। आयुर्वेद में बताया है कि जो पित्त दोष है वो पांच तरह का होता है और उनमें एक पित्त होता है रंजक पित्त, जो हमारे स्किन के नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंडू यानी कि ईचिंग रंजक पित्त को प्रकोपित करता है, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता है और हमारे शरीर में सफेद रंग के चकत्ते हो जाते हैं, जिसे हम सफेद दाग बोलते हैं। इसलिए ईचिंग से दाग जरूर बढ़ते हैं। अब मैं आपसे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी ईचिंग को नुकसानदायक बताया है। मॉडर्न साइंस में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आपको खुजली होती है तो उसके दो चार ही कारण हैं। या तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, स्किन अगर ड्राई होती है तो स्किन में खुजली होने लगती है, या फिर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, या फिर स्किन में कोई एलर्जी होती है तभी खुजली होती है। ये तीनों ही कंडीशन यानी कि ड्राई स्किन, एलर्जिक स्किन या स्किन इन्फेक्शन सफेद दाग के लिए अच्छे नहीं है, ये सफेद दाग को बढ़ाते हैं। इसलिए खुजली एक ऐसा साइन है जिससे हमें पता चलता है कि सफेद दाग बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। साथ ही साथ मॉडर्न साइंस में एक और फिनोमिना इसके लिए बताया है, जिसका नाम है कॉबनर फिनोमिना। ये एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें बताया था कि जब भी कहीं चोट लगती है या खुजली में जब हम स्क्रैच करते हैं तो वहां पे मेलानिन प्रोडक्शन खत्म हो जाता है और नए नए सफेद दाग बनने लगते हैं। इसलिए खुजली करते हुए अगर आप स्क्रैच करते हैं तो कॉबनर फिनोमिना के अकॉर्डिंग आपके दाग बढ़ेंगे, ऐसी थ्योरी मॉडर्न साइंस में बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब खुजली होती है तो ये पेशेंट के साइकोलॉजिकल लेवल को भी डिस्टर्ब करती है। इससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ऐसा लगता है कि हमारी साइकोलॉजिकल पेशेंट को ऐसे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम शायद बढ़ रही है, कि पहले इसमें खुजली नहीं थी अब खुजली भी हो रही है, तो वो कष्ट भी देने लगता है सफेद दाग। तो इसलिए भी खुजली जो है वो अच्छा साइन नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस दोनों मत ही ये कहते हैं कि जो खुजली है वो सफेद दाग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सफेद दाग खुजली की वजह से बढ़ सकते हैं और अगर इसलिए आपको खुजली है तो उसे रोकने का आपको तुरंत कोशिश करनी चाहिए। आयुर्वेद जहां एक तरफ ये बात करता है कि खुजली होने से पित्त दोष प्रकोपित होगा, जिसकी वजह से सफेद दाग बढ़ेगा, दूसरी तरफ एलोपैथी ये बताता है
कि खुजली होने से खुजली चोट का काम करेगी और चोट जो है इंजरी जो है वो सफेद दाग को बढ़ाती है, इसलिए दाग बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर खुजली होती है तो हम खुजली को पॉजिटिव साइन या सकारात्मक भी मान सकते हैं। असल में हम सफेद दाग को ठीक करने के लिए कुछ आपको दवाई बताते हैं सफेद दाग पे लगाने के लिए, और लगाने के साथ उसमें धूप लेने के लिए कहते हैं। जब पेशेंट दवा लगाकर धूप में जाता है तो उस प्रोसीजर को फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है यानी कि गर्मी पैदा करता है। इस वजह से कई बार पेशेंट को खुजली होने लगती है। वो खुजली जब आप दवा लगाकर धूप दिखाते हो और तब आपको खुजली होती है तो इसका मतलब होता है कि दवा अपना काम कर रही है, यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो तब उस कंडीशन में हम समझते हैं कि ये दाग बढ़ने वाली खुजली नहीं है, ये दाग ठीक करने वाली खुजली है। मगर इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि अगर ये खुजली बढ़ जाती है तो यही खुजली दाग खराब कर सकती है, इसलिए जब हम आपको दवा लगाकर धूप में जाने की बात करते हैं तो आपको समझाते हैं कि आपने हल्की धूप दिखानी है, तेज धूप में नहीं जाना, क्योंकि आपके दाग ठीक करने में जो धूप काम करती है वो हल्की धूप है। लेकिन जब धूप का अमाउंट बढ़ता है यानी कि धूप आप ज्यादा देर के लिए लगाते हैं या तेज धूप दिखाते हैं तो आपको खुजली हो सकती है, ये खुजली आपको नुकसान कर सकती है। तो आपको ये समझना है कि सफेद दाग पे अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह से दवा लगा रहे हैं, दवा लगाने के बाद धूप दिखा रहे हैं, तब अगर आपको सफेद दाग के एरिया में हल्की खुजली है तो वो पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर यही खुजली ज्यादा हो या सफेद दाग के अलावा आपको और जगहों पर भी होने लगे तो वो नुकसानदायक है। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर सफेद दाग पे आपको खुजली होती है तो आपको तेज तेज खुजली नहीं करनी, आपको हल्के हाथ से सहलाना है। तेज खुजली करने से भी मेलानिन नष्ट हो जाते हैं और सफेद दाग बढ़ने लगता है। तो इस तरह से आपने दो किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो ये समझना है मेरी इस बात से कि जो भी दवा लगाएगा और धूप दिखाएगा उन सबको खुजली हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले भी जब मैं किसी को खुजली के बारे में समझाती हूँ तो लोग मेरे से क्वेरीज करने लगते हैं कि हमें खुजली नहीं हो रही तो क्या हमारे को दवा काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम चाहते यही है कि खुजली ना हो और आपके दाग ठीक होते जाए। मगर जिन्हें थोड़ी खुजली हो रही है वो भी घबराए ना, क्योंकि दवा लगाते हुए थोड़ी खुजली का मतलब है कि आपके दाग ठीक होने की डायरेक्शन में चल रहे हैं। परंतु अगर वो खुजली बढ़ती है तो आप मुझे जरूर बताएं या अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि बढ़ती हुई खुजली से आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस कंडीशन में सफेद दाग में खुजली फायदेमंद हो सकती है और किस तरह से सफेद दाग में खुजली नुकसानदायक भी हो सकती है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिस पर मैंने सफेद दाग और चोट का रिलेशन बताया है, क्योंकि ईचिंग यानी खुजली भी एक तरह की चोट है, तो आप उस एपिसोड को भी जरूर देखिए ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि किस किस तरह की चोट सफेद दाग के लिए नुकसानदायक है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।